हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। मैं यहाँ आयरलैंड डबलिन के अंदर हूँ और मैं यहाँ आपकी डबलिन की सफ़र कराना चाहता हूँ। तो चलो हम डबलिन की सफ़र करते हैं। तो ये जो जगह पे हम आए ना, ये है ओकोनल स्ट्रीट। तो ये पूरी ओकोनल स्ट्रीट है। तो मैं भी आपको ओकोनल स्ट्रीट के यानी करीब से बताना चाहता हूँ। ये यहाँ की मेन स्ट्रीट रहेगी डबलिन की। मेन स्ट्रीट पड़ती है, यहाँ पे से आपको बस मिल जाएगी, ट्रेन मिल जाएगी, हर कुछ चीज़ यहाँ पे, शॉप्स वगैरह भी सब यहाँ पे आएगी। और ज़्यादातर आपको कहीं भी जाना हो ना, तो आपको ट्रांजिट यहाँ ही लेना पड़ेगा। यहाँ से आपको बस भी मिलेगी, यहाँ से आपको ट्रेन भी मिलेगी। और यानी बहुत बिजी स्ट्रीट है ये, इसको ओकोनल स्ट्रीट बोलते हैं। और यहाँ पर अभी ठंडी ज़्यादा आएगी तो मेरा हाथ भी थोड़े शेक करते हैं, दूझ रहे हैं। और बहुत दिनों के बाद आज यहाँ पे धूप निकलेगी, आज सूरज भी बाहर निकलाएगा, तो लोगों का इसकी वजह से थोड़ा आज रस भी ज़्यादा आएगा। पर वैसे भी ये स्ट्रीट बिजी स्ट्रीट हैगी, यहाँ पे ज़्यादातर बैंक्स वगैरह, ऑफिस वगैरह सब यहाँ पर ही है, तो लोगों का यहाँ पर आना जाना रहता ही हैगा। थोड़ा मेरा हाथ शेक हो रही है, तो फिर भी यानी कि ठंड की वजह से। तो इसलिए मैं आपको अभी, मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा ज़्यादातर डबलिन के अंदर ही बनाऊंगा। वो तो ज़्यादातर आपको डबलिन के अंदर के सिटी सेंटर एरिया और आसपास के एरिया के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा ज़्यादातर, ताकि आपको अंदाज़ा आवे कि डबलिन कैसा है, कितना बिजी है। तो यहाँ पे ज़्यादातर तो लोग सब अपने अपने काम में मशगूल रहते हैं। यहाँ पे कोई को किसी की पड़ी नहीं होती कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। तो ये यहाँ की बसेस वगैरह है। यहाँ पर ज़्यादातर बसें डबल डेक करी हैगी, सिंगल बसेस बहुत कम है। वो भी विलेज इलाके के अंदर होती हैगी जहाँ पे पैसेंजर कम होते हैं। बट यहाँ पे ज़्यादातर सबको डबल डेकर बस होती है यहाँ पे, और उसी में ज़्यादातर लोग सफ़र करते हैं। ये अभी जो आ रही है ना, ये यहाँ की लुइस ट्रेन हैगी, जिसको लोकल यानी ये सिर्फ सिटी एरिया के अंदर ही होती हैगी। अपने इसके अंदर भी बैठेगा, इसमें भी आपको सफ़र कराऊंगा मैं। ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी होती है ये, छोटे छोटे यानी कि सिटी के अंदर जो अलग अलग एरियों के अंदर ये जाती है ये, तो इसमें होती है ये। यहाँ पे ज़्यादातर सब शॉप है, हम थोड़ा निकलते आगे। ये अभी करीब यहाँ के 3 बज गए हैं, तो ज़्यादातर सब है ना काम वाम शिफ्ट वगैरह लोगों की यहाँ पे है ना, अलग अलग टाइम की शिफ्ट होती है। तो 2 बजे की जिनकी शिफ्ट ख़त्म हो गई वो घर जा रही है, और अभी 3 बजे की शिफ्ट चालू होगी, 4 बजे की शिफ्ट, अलग अलग शिफ्ट होती है। तो वो लोग काम पर जा रहे हैं, तो कुछ लोग काम करके घर जा रहे हैं और कुछ लोग काम पर जा रहे हैं। ये देखिए ट्रेन है आ रही है, और इधर से भी कुछ ट्रेनें आ रही है। ये पूरा इलाका है। यहाँ पे साइकिलें भी लोग चलाते हैं, और
यहाँ पर साइकिल किराए पे भी मिलती है ये, पर उसमें क्या होता है कि आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ही होता है, उसमें साल के 20 यूरो भरने होते हैं। अभी पता नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा बढ़िया होगा, बिफोर मुझे मालूम है 20 यूरो भरने पड़ते थे साल के, और फिर उसको आपको एक वो कार्ड दे देते थे, फिर उस कार्ड के ऊपर से आप किसी भी स्टॉप पर ना बस सॉरी साइकिल स्टैंड पर जाके आप साइकिल ले सकते थे, और वो आप ना आधा घंटा तक चला सकते थे, उसके बाद में फिर उसको जमा करानी होती थी। तो इस तरह भी यहाँ पे साइकिल लोग लेके चलाते हैं क्या। तो आज हम ओकोनल स्ट्रीट पे है, और नेक्स्ट टाइम पे फिर मैं आपको दूसरी स्ट्रीट पे ले जाऊंगा और सब बताऊंगा यहाँ का कि यहाँ पे किस तरह के मार्केट होते हैं और किस तरह की यहाँ पे स्ट्रीट होती है। यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे ऐसा कोई क्राइम नहीं होता है, अगर आप किसी भी स्ट्रीट पे जाओ और बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे समझो कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपको सपोर्ट भी करेंगे, अगर आप रास्ता वास्ता भूल जाओगे ना तो आपको रास्ता भी अच्छी तरह से दिखाएगा, और कई लोग तो ऐसा है कि आपको थिएटर तक छोड़ने के भी आएगा, चलो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ के लोग बहुत ही यानी कि अच्छे लोग है, हेल्पफुल लोग है, तुमको हेल्प भी करेंगे, यानी कि कोई जात की परेशानी नहीं करते, और यहाँ पे रेसिज्म नाम की बहुत यानी है ही नहीं, यूँ को तो कुछ लोग होंगे, बाकी तो ज़्यादातर हुए हैं, तो देखा यहाँ पे ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे होते हैं, कोई यानी कि भेदभाव नहीं करते है, और एक इंसानियत की यानी उससे अपने को देखते हैं कि आप भी एक इंसान हो गया। ये यहाँ पे शॉप में देखो, यहाँ पे सूरज की वजह से आपको बराबर नहीं दिखेगा, और ये जो है ना ये पोस्ट ऑफिस है, यहाँ की जनरल पोस्ट ऑफिस है, मेन पोस्ट ऑफिस है ये बिल्डिंग यहाँ। तो यहाँ के लोग अच्छे हैं, उसके बारे में आपको बताता था, और यहाँ पे काम का भी अच्छा है, अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल है ना तो आपको काम यहाँ पे मिल जाता है। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊँगा कि आपको यहाँ पे काम कौन से काम की यहाँ पे डिमांड है, और किस तरह का आपको वीज़ा लेना है अगर यहाँ पे आना है, तो अगर काम के लिए आना है तो किस तरह का वीज़ा आपको लेना है, और यहाँ पे एकोमोडेशन का क्या करना है, रेसिडेंस वगैरह का आपको किस तरह से अरेंजमेंट करना है, मैं आपको सब थोड़ा थोड़ा करके सब बताऊँगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर करीब 14-15 साल हो गए, तो मुझे तो यहाँ पर सब ज़्यादातर सब एक्सपीरियंस हो गया है। ये देखो कुछ लोग खड़े हैं, ये समझो कि ना किसी बस का इंतज़ार करते हैं, ये यहाँ के नहीं है, डबलिन के नहीं, किसी बाहर के मुझे लगते हैं, तो इस तरह से खड़े हो गए, और बाकी तो सब लोग आ रही है जा रही है। अच्छा एक चीज़ और आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो आपको थम्बा दिखता है ना, देखो ये दब पूरा थम्बा, ये पूरा बहुत ऊँचा आएगा, ये देखो पूरा कहाँ तक जाता है, दिखा आपको बहुत ऊँचा आएगा, हाँ इसको डबलिन स्पार बोलते हैं, ये जगह बड़ी फेमस जगह है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी भी किसी भी लोग को कोई बाहर वाले लोग आते हैं ना, तो बोले कहाँ मिलेगा, तो बोले ठीक है तू डबलिन स्पार पे आ जाना, मीन्स यहाँ पे आके तू खड़े हो जाना, मैं तुझे वहीं मिलूँगा। तो ये बड़ी फेमस जगह है, और आप डबलिन से सफ़र करोगे ना किसी और टाउन में जाते हो तो आपको हाईवे से भी ये थम्बा दिखना चालू हो जाता है, ये बड़ा सारा लंबा सा थम्बा, बहुत लंबा है, पता नहीं इसको किस तरह से फिट किया, तो समझ में नहीं आता है, बहुत बड़ा यानी ये डबलिन की एक देखने जैसी जगह आएगी, ऐसा लोग आते भी हैं तो इसको देखते हैं, इसकी तस्वीरें लेते हैं, फ़ोटो वगैरह लेते हैं, और बड़ी फेमस जगह यहाँ पे, मैंने भी कुछ फ़ोटो खिंचवाए पुराने टाइम के अंदर। तो ये इस तरह का आएगा, ये पूरा मार्केट है। अच्छा यहाँ पे आपको है ना लोग अलग अलग तरह के मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पे आपको ना आयरिश लोग हैं ना वो तो कम है क्या, फॉरेनर्स यहाँ पे ज़्यादा है क्या, और फॉरेनर्स में ज़्यादातर यूरोपियन बहुत यहाँ पे, यूरोपियन यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा, तो यूरोपियन लोगों को देख के अपने को तो ऐसा ही लगता है ये आयरिश है, बट वो बस वो कलर वलर और उससे मिलता है, बाकी उनकी कोई लैंग्वेज भी सही यानी मिलती जुलती नहीं होती है, और उनका कल्चर हर कुछ अलग चीज़ होती है। ये भी है मार्केट एरिया चलता, पर मैं आपको सीधे आज ले जाऊंगा सीधे स्ट्रीट पर। तो
ये किसी चीज का वो कर रहा है पूरा सर्दी ज्यादा है उस वजह से मेरे तो आवाज़ भी दूज रही है हाथ भी दूज रही है क्या पर यहाँ पे ना अप्रैल के बाद यहाँ पे मौसम अच्छा हो जाएगा तो अप्रैल के बाद यहाँ मौसम अच्छा हो जाएगा तो उसमें फिर ना मैं आपको है ना यहाँ पे डबलिन में बहुत अच्छे अच्छे बीच वगैरह है तो मैं बीच पे भी अपने जाएंगे और उसके अलावा यहाँ पे टूरिस्ट स्टेशन भी बहुत है क्या तो टूरिस्ट स्टेशन भी आपको मैं दिखाऊँगा तो बहुत मज़ा आएगा आपको मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगा ताकि आपको यानी पूरा डबलिन के बारे में नॉलेज दूंगा आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद डबलिन के अंदर घूम रहे होंगे तो ऐसे मैं यहाँ पे जॉब करता हूँगा तो जब भी मेरी छुट्टी होगी ना तो उस दिन मैं फिर आपको ना सफ़र कराऊँगा डबलिन की आयरलैंड के अलग अलग टाउन की यहाँ पे छोटे टाउन होते हैं वहाँ भी मैं आपको ले जाऊँगा यहाँ के छोटे छोटे विलेज होते हैं मैं आपको वहाँ विलेज में भी ले जाऊँगा और आपको वहाँ के विलेज की लाइफ भी दिखाऊँगा और यहाँ पे विलेज कितने खूबसूरत होते हैं वो इतने साफ़ सुथरे होते हैं इतना यानी यहाँ की गवर्नमेंट इतना ध्यान देती है ना सफाई पे कि आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि वाकई में इतने छोटे छोटे टाउन के अंदर कितने अच्छे रोड है कितने अच्छे घर है छोटे छोटे टाउन के अंदर भी यहाँ पर सुपर मार्केट्स ये वो फैसिलिटीज हर जात की यहाँ पर फैसिलिटीज़ होती हैगी तो मैं आपको सब चीज़ों को नज़दीक से दिखाऊंगा और आपको उसके बारे में नॉलेज दूंगा तो अभी ये हम ओकोनल स्ट्रीट पे घूम रहे हैं मैं बार बार ओकोनल स्ट्रीट इसके लिए बोल रहा हूँ कि आपके आपको याद हो जाए कि ओकोनल स्ट्रीट नाम की कोई जगह है ये डबलिन के अंदर आप भले यहाँ पर नहीं भी आओ पर अगर कोई डबलिन का कोई बंदा आपको मिल जाए ना आप बोले ना कि हाँ मैं भी डबलिन आया था वहाँ ओकोनल स्ट्रीट पर तो वो तेरे बोला अच्छा अच्छा ओकोनल स्ट्रीट पर तो मैं इसके लिए बार बार आपको ना जगह का नाम रिपीट पर रिपीट कर रहा हूँगा मैं हर जगह का इस तरह ही करूँगा ताकि आप वो आपको उस जगह का नाम याद रह जाओ तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आते हैं क्या व्लॉग बनाने के लिए वो लोग एक्चुअली है ना यहाँ के नहीं होते वो कहीं और के होते हैं तो वो बस थोड़ा सा दिखा देते कि भाई ये डबलिन की स्ट्रीट है ये है वो है पर उससे आपको कुछ नॉलेज नहीं मिलेगा तो मेरा मकसद क्या है कि मैं ये जो व्लॉग बना रहा हूँ ना इसमें आपको मैं नॉलेज देना चाहता हूँ डबलिन के बारे में तो इसके लिए मैं बार बार आपको ना जगह का नाम रिपीट करता हूँ ताकि आप याद रह जाओ कि भाई ये जगह तो ओकोनल स्ट्रीट बोलते हैं क्या तो ये ओकोनल स्ट्रीट ऐसी कि ना क्या ये बहुत फेमस हैगी यानी कि कोई भी बाहर से आएगा ना तो उसको इस स्ट्रीट पर आना ही पड़ेगा किसी भी वजह से यहाँ पर बड़ी बड़ी होटलें भी हैगी यहाँ पर बड़ी बड़ी होटल है गेस्ट हाउस है रेस्टोरेंट है और यहाँ पे मैकडोनल्ड्स बर्गर किंग जो भी यहाँ की खाने पीने की सब जगह है तो कभी हम बिल्कुल बर्गर किंग जो यहाँ की एक फेमस रेस्टोरेंट है हम उसके पास आइए ये बर्गर किंग है ये बर्गर है और ये उसका नाम है बर्गर किंग हाँ तो ये तो अभी तो 3 बजे का टाइम है तो लंच वगैरह सब खत्म हो गया पर जब लंच का टाइम होता है ना तो आपको यहाँ पर बैठने की जगह भी नहीं मिलती है ये बड़ा रस होता है और अभी शाम में 5 बजे के बाद फिर ये बहुत बिजी हो जाएगा ये बहुत बिजी जगह है ये ना आयरिश लोग ज़्यादातर बर्गर और पिज़्ज़ा या इस तरह का फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं क्या ये लोग घर में खाना वाना नहीं बनाते जिस तरह से ये हम लोग खाना वाना बनाते ये लोग ज़्यादातर फास्ट फूड पे यानी के रहते हैं और ये जो बस है कि ना ये हिप हॉप बस है ये पूरा डबलिन तुमको दिखाती है एक दिन अपने इसमें भी मैं आपको ले जाऊँगा हिप हॉप बस के अंदर हिप ऑन हिप ऑफ इसका नाम हैगा देखो इसका नाम हैगा आप शायद पढ़ सकते ना हिप ऑन हिप ऑफ तो इस तरह की बस है इसके अंदर आपको टिकट लगा फिर ये लोग ना 20-22 जगह होती हैगी तो वहाँ पे ले जाते हैं क्या तो यानी समझो कि डबलिन दर्शन इस तरह का ये हैगा तो ये अभी हम घूम रहे हैं ओकोनल स्ट्रीट पे तो ये अलग अलग कंपनीज होती है जैसे बिग बस्टर ये भी एक बस है कि डबलिन की तो ये सब घूमने जैसी जगह है कि
ये आज का मैं ये जो व्लॉग बना रहे ना वो मैं छोटा ही बनाऊंगा, ये पहला मेरा व्लॉग है और मैं ज़्यादा इसमें है ना बस है ना पैदल इधर इधर ओकनल स्ट्रीट के आसपास घूमूंगा, उसी जगह के मैं जरा है ना आपको सब है ना क्या माहिती दूंगा, इंफॉर्मेशन दूंगा, सॉरी करूँगा। ये यहाँ का थिएटर है, इसका नाम शेवाई, मैं आपको बताता हूँ, ये इसका नाम है शेवाई। और यहाँ पर टूरिज्म ऑफिस भी अपना अभी बंद है, और ये इसके शो के टाइम्स वगैरह रहेगा। ये थिएटर है यहाँ का, हवा ऐसी चल रही है ना, एक तो ठंडी रहेगी और ठंडी के साथ फिर हवा इतनी तेज ठंडी हवा के साथ ये जो है ना ये ठंडी ऐसी लगती है ना, मेरा तो यार सही तरीके से मैं बात भी नहीं कर सकता। बट है ना बस ये महीना है फरवरी और मार्च, आफ्टर मार्च अप्रैल के फर्स्ट वीक में यहाँ पे मौसम अच्छा हो जाएगा, फिर मज़ा आएगी। अभी तो ठंड के मारे नाक में से पानी भी निकल जाएगा। सामने की साइट है कि ये एक होटल है कि यहाँ की, इसको प्लाजा रिजर्व डबलिन बोलते हैं, ये पूरी पूरी होटल है। ये एम्बुलेंस का आवाज़ है, ये कोई ये एम्बुलेंस है कि मैं आपको एम्बुलेंस भी दिखाता हूँ, ये एम्बुलेंस है, ये आवाज़ कर रही है, ये जा रही है। और ये जहाँ पे आप ना आए ना ये हॉलीडे इन होटल है, हॉलीडे इन ये बड़ी फेमस है यहाँ की, और हॉलीडे इन तो पूरा वर्ल्ड में है, पूरा वर्ल्ड के अंदर ये फेमस है। ये मैं आपको उसका नाम दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे ये तो छोटा बोर्ड है हॉलीडे इन एक्सप्रेस डबलिन सिटी सेंटर, इसको सिटी सेंटर ही बोलते हैं। ये ऊपर इसका बोर्ड है हॉलीडे इन एक्सप्रेस। सो भाइयों ठंड बहुत लग रही है, अभी मैं ये व्लॉग यहाँ पे पूरा करता हूँ, ये पहला व्लॉग था मेरा, इसको ओकनल स्ट्रीट बोलते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर दोबारा नई जगह पे। ओके बाय।